भाई सुनो, जरा यहाँ ना, ये कावेरी के घर जाने का रास्ता कौन सा है? क्या कावेरी के घर? इस समय वहाँ क्यों जा रहे हैं साहब? इस समय वहाँ जाना बिल्कुल ठीक नहीं साहब, वहाँ भूत रहता है। वो सब रहने दो, मुझे बस कावेरी के घर का रास्ता बता दो। इधर से चले जाइए बस 1 किलोमीटर। शुक्रिया। मेरी बात नहीं सुन रहे हैं? मुझे क्या, खोल।
गुड मॉर्निंग सर। सर उसका नाम अरुण कुमार है, वो यूथ का बहुत बड़ा नॉवेलिस्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली मृत्युंजय फॉरेस्ट के पास उसकी डेड बॉडी मिली है। लेकिन वो वहां पे क्यों गया और उसकी हत्या किसने की, ये सारी डिटेल्स मैं आपको दो दिन में दे दूंगा सर। मिस्टर सूर्या, इतना सब होने के बाद भी तुम्हारा मास्टरमाइंड जयंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा। निकल चुके सर, आते ही होंगे। ओ, जिसे टाइम का सेंस नहीं वो इंस्पेक्टर का है का? सर, इस दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो औरों के लिए अपनी जिंदगी जीते हैं, और उस कतार में वो लोग वो पहले हैं सर, कहानी के असली हीरो हैं। गुड मॉर्निंग सर। hey, तुम्हारी गुड मॉर्निंग को आग लगाओ, वहाँ पर लाश मिली है और तुम यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोल रहे हो। वहाँ हुई हत्या पर तुमने क्या एक्शन लिया? हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सर। क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? तुम लोगों की वजह से वो हायर ऑफिसर जो मुंह में आया भके जा रहे हैं। सर मैं यकीन दिलाता हूँ, खूनी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन वो हमारी नजरों से बच नहीं पाएगा। एक ना एक दिन वो सलाखों के पीछे रहेगा। तुम लोग क्या बोलोगे, क्या करोगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मैं तुम दोनों को बोल रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, समझे ना? सर क्या है ये? सर साहब को प्रमोशन चाहिए तो हमें इस हद तक डांटेंगे? हद है। इस मर्डर केस के सॉल्व होने तक सरदर्द हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा सूर्या। सर आपसे अर्जेंट कोई मिलना चाहता है, बहुत देर से इंतजार कर रहा है, उसे अंदर बुला लूं? बुलाओ उसे। नमस्कार सर। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर आपका पेपर देखा, जंगल में अरुण कुमार की हत्या की खबर छपी थी। उस दिन रात को मैंने दूर से उन्हें कावेरी के घर जाते हुए देखा था। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, अगर वो वहाँ गया तो फॉरेस्ट एरिया में मर्डर कैसे हो सकती है सर? ये सोच सोच के सर मेरा सिर चकरा रहा है, इसी बात को बताने के लिए ही तो मैं आपके पास आया हूँ सर। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे। ठीक है सर। सुनो सूर्या। सर ये कावेरी बंगले से जुड़ी जो भी फाइल है वो अमृतपुरा के पुलिस स्टेशन में पड़ी हुई है, जाओ और वो फाइल ले आओ। ओके सर। लगता है अभी तक आए नहीं। अरे आ गए वो लोग। नमस्कार मैडम। और सीतामा कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहब, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। क्या हुआ सीतामा, ऐसे क्या देख रही हो? यही सोच रही हो ना कौन है? यही है मेरी पत्नी श्रुति। मैं भी पागल हूँ, दरवाजे पर खड़े होकर बात कर रही हूँ। आइए आइए अंदर आइए। आओ। ए चंदू, लक्ष्मी सामान लेकर आओ। मैं घर देख कर आती हूँ, ठीक है ना? हाँ जाओ देख कर आओ। सीतामा जी। राजेश जी देखिए सीतामा, ये घर मैंने बहुत मेहनत और इंतजार के बाद खरीदा है, इस घर में किसी और की तस्वीर हो ये मुझे पसंद नहीं है, इसे फौरन यहां से हटाकर कहीं दूर फेंक दो। जी राजेश जी, लेकिन एक बात है,
इस फोटो में जो है वो अभिनेत्री कावेरी है, और इनसे जुड़ी हुई चीजों को हम ना छेड़े तो अच्छा ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब? मैं इस तरह बोल रही हूँ आप गलत मत समझिएगा। आपके ये घर लेने से पहले गांव वालों का कहना था कि इस घर में कई वर्षों से भूतों का ही राज है। पहले तो मैं ये सब नहीं मानती थी, लेकिन एक दिन जब घर के काम खत्म करके जा रही थी तो अचानक से देखा कि अंदर कोई साया है, और ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इस घर में अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। देखो ध्यान से सुनो, ये जो भूत भूत की कहानियां है ना, सब बेकार की बातें हैं। इन बेकार की बातों पर दिमाग खराब मत करो, अंदर जाकर घर का कामकाज देखो। जाओ। जी राजेश जी। सर ये जर्नलिस्ट अरुण कुमार के मर्डर केस का कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? सर ये रिपोर्ट के मुताबिक अरुण कुमार को किसी ने नहीं मारा, आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उनके शरीर पे घाव के कोई निशान नहीं दिख रहे थे, और उस चाकू पर मिले फिंगरप्रिंट के अनुसार उन्होंने खुद को मार डाला था। सर ये तो फाइनल है, ये आत्महत्या था। सर मैंने भी जब अरुण कुमार का बैकग्राउंड चेक किया था तो वो किसी लड़की के बारे में काफी डिप्रेशन में लग रहा था सर, सो इसीलिए मुझे भी वो डॉक्टर की रिपोर्ट कहीं मैच हो रही है ऐसा लग रहा है सर। ओके डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट, कुछ होगा तो मैं आपको फोन करूंगा। ओके सर, थैंक यू। और बताओ राजेश, कैसा लगा नया घर? बढ़िया है, कल मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, जरूर आना, और अपनी बेटी खुशी को भी जरूर लाना। हाँ हाँ, तुम्हारी पार्टी में जरूर आऊंगा, मिस नहीं करूंगा। और हाँ, सूर्या को भी साथ लाना। श्योर, मैं सूर्या को भी साथ ले आऊंगा। ये कहाँ चले गए? दरवाजा खोलिए।
श्रुति, श्रुति आखिर हुआ क्या? इस घर में कुछ चल रहा है राजेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। श्रुति क्या हुआ? कावेरी के कमरे से वायलिन की आवाज सुनाई दे रही थी, वहाँ क्या है वो देखने चली गई थी। वहाँ एक अजीब सा आदमी था, मुझे बहुत डर लग रहा है राजेश। ये क्या कह रहे हो मैम साहब, वो रूम तो कभी ओपन हो ही नहीं सकता, उसकी चाबी तो मेरे पास है, ये देखिए। नहीं, वो कमरा खुला था, मैं खुद उस कमरे में गई थी, वहाँ एक बहुत डरावना सा आदमी था। तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे राजेश, कम से कम तुम तो मेरा यकीन करो। इट्स ओके, काम डाउन। सीता माँ चाबी दीजिए। राजेश। माँ एक मिनट रुकिए, सीता माँ चाबी दीजिए। नहीं। श्रुति आओ मेरे साथ, चलो आओ मेरे साथ। श्रुति क्या है ये सब? राजेश वो वायलिन यहीं पर था। मैंने यहाँ एक गुड़िया भी देखी थी, वायलिन भी नहीं है, गुड़िया भी नहीं है। राजेश इस घर में कुछ चल रहा है राजेश, चलो यहाँ से चलते हैं। काम डाउन श्रुति, श्रुति काम डाउन, इधर बैठो, बैठो बैठो बैठो। देखो श्रुति बात समझो, हम अभी अभी सफर से लौटे हैं ना, तुम बहुत थक गई हो, थोड़ा रेस्ट लो, ठीक हो जाएगा सब। इस घर में भूत पिशाच ऐसा कुछ नहीं होता बाबा, ये सब तुम्हारा भ्रम है। आओ चलो। राजेश माँ वहां कुछ भी नहीं है, मेहरबानी करके सब लोग जाओ प्लीज। माँ आप भी जाओ। श्रुति श्रुति चलो संभाल के। हाँ चंदू लक्ष्मी जाकर सो जाओ। मेम साहब ये लीजिए कॉफी। सीता माँ। हाँ मैम साहब। कल रात कोई देर से आया था क्या? नहीं कोई तो नहीं, कल रात तो 9 बजे ही गेट बंद कर दिया था। तो फिर मैंने देखा हुआ अजीब सा आदमी कमरे के पास कैसे आ सकता है? मैम साहब ये आपको पता है या नहीं, इस घर में कावेरी की आत्मा है ऐसा गांव वाले कहते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ मैम साहब, ये घर अभिनेत्री कावेरी ने बहुत मन से बनवाया था, वो इस घर में बहुत खुशी से रहती थी, लेकिन एक दिन किसी बात पर उदास होकर आत्महत्या कर ली, और उसके बाद एक इंजीनियर ने ये घर खरीदा था। जब वो इस घर में आया तो कावेरी की आत्मा उसके अंदर आ गई और अपने बीवी बच्चों को उसके ही हाथों मरवा दिया इस कावेरी ने। और तो और मेम साहब, कुछ दिन पहले एक लड़का इस पर एक कहानी बनाने वाला था, वो भी मर गया। उसके बाद आप लोग आ गए, अब आगे क्या होगा पता नहीं। सीता माँ कैसी बातें कर रही हो आप, ये भूत पिशाच सब झूठी कहानियां हैं, किसी बेकार आदमी की बातों में आकर आप अपना दिमाग तो खराब कर ही रही हो, दूसरों का भी दिमाग खराब कर रही हो, अच्छी बात नहीं है ये, चलो जाके अपना काम करो। जी राजेश जी। सॉरी। क्या यार श्रुति, ये सब बेकार की बातों को लेकर इतना टेंशन क्यों ले रही हो तुम? हाँ जस्ट रिलैक्स। बस अभी आया। हाँ ठीक है। हेलो पापा। क्या हुआ बेटा? मुझे इस डब्बा कार में बोर हो रहा है पापा। अच्छा बोर हो रहा है,
तो फिर बताओ क्या करूँ, गाना गाऊँ या स्टोरी सुनाऊँ? अरे रे, खाने पर सॉन्ग, स्लीपिंग के वक्त स्टोरी, वो सब घर में ठीक है, जर्नी में ऐसा क्यों पापा? सॉरी बेटा, ये दोनों बातें छोड़कर मुझे और कुछ नहीं आता। ठीक है फिर, मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, वो करेंगे? बेटा, चैलेंज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये तुम्हें भी पता है ना? हीरो के डायलॉग मत मारो पापा, चैलेंज एक्सेप्ट है या नहीं बस इतना ही बता दो आप। चलो ठीक है बेटा, तुम्हारा जो कोई भी चैलेंज हो ना वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। खुशी बैठ जाइए पापा। कार किस लिए रुकाई तुमने? वहाँ देखिए पापा, एक ब्यूटीफुल आंटी खड़ी है। बेचारी, लगता है उनकी गाड़ी खराब हो गई है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम उन्हें कहीं ड्रॉप कर दे पापा? बस इतनी सी बात, चुटकी बजाते ही वो हमारी कार में होगी, देखना। हाँ? क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई क्या? नहीं नहीं, मॉर्निंग एक्सरसाइज नहीं की थी ना, इसलिए मैं हूँ ना गाड़ी खड़ी करके किक मार रही हूँ। पता हो कर भी पूछ रहे हो। देखिए मैडम, मैं यहाँ से अपने घर पे जा रहा था, आपको हेल्प चाहिए तो बोलो, ड्रॉप कर दूंगा। ओह अच्छा बेटा, आ गया बड़ा हमदर्दी जताने। तुम लड़कों की आदत मुझे नहीं पता है क्या? आज ड्रॉप कर दूं क्या कह के आओगे, कल कहोगे आप यहाँ कैसे ये कहकर मुझ पे लाइन मारोगे। तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आपका मोबाइल नंबर मिलेगा ये पूछोगे, उसके बाद व्हाट्सएप ऑन किया तो बस हाय कहकर मैसेज करोगे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स जैसे मैसेजेस भेजते ही रहोगे, और आखिर में एक दिन आई लव यू कहकर फिर प्रपोज करोगे। यही है ना तुम्हारा प्लान? देखिए मैडम, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, एक अकेली लड़की इस जंगल में तकलीफ में है तो उसकी हेल्प करनी है, ये सोचकर मैं अपनी कार से उतर कर आ गया, तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आ बैल मुझे मार। आप क्या सोच रही है मैडम, मैं ऐसा लगता हूँ क्या? क्या बोला, बैल हूँ मैं बैल हूँ? अरे मेरी माँ, तुम बैल नहीं हो, तुम तो शेरनी हो शेरनी। मैं तो तुम्हारी ये सोचकर हेल्प कर रहा था कि इस घने जंगल में आप जानवरों की कहीं चिकन बिरयानी ना बन जाओ, लेकिन तुमको देखकर ऐसा लगता है कि कोई जंगली जानवर आपके नजदीक नहीं आएगा। चलो ठीक है, एंजॉय। अच्छा सच में इस जंगल में बाघ शेर है क्या? लगता है तुम्हें पता नहीं है, अरे परसों ही तो एक शेर ने किसी एक लड़की पर अटैक करके उसकी पूरी बॉडी को नोच डाला। हाँ, लेकिन उसके सिर को उसने छुआ तक नहीं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि लड़कियों के सिर में अकल होती ही नहीं है। यू दिमाग ठीक है ना? तुम कौन हो? मेरा नाम खुशी है। इतनी देर से मुझसे चैलेंज लगाकर आपसे बात कर रहे थे ना, मैं उनकी प्यारी सी बेटी हूँ। ये कैसा चैलेंज है तुम्हारा? जी हाँ, दरअसल मैं तुम्हें इस कार में ड्रॉप कर दूंगा, ऐसा मैंने अपनी बेटी से चैलेंज किया था। खुशी, कैसा लगा पापा का परफॉर्मेंस? पापा बहुत बढ़िया, दोनों बाप बेटी एक जैसे। बाय द वे, आपका नाम? जयंत, विजयनगर पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। आपका नाम क्या है और आप काम क्या करती हैं? मेरा नाम कीर्ति है, यहीं तारापुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हो? यमदेव तो सिर्फ प्राण लेते हैं, लेकिन डॉक्टर तो प्राण के साथ साथ पैसे भी ले लेते हैं। सही कहा ना? फिजूल की बातें करने का टाइम नहीं है, वैसे आप जा कहाँ रहे हो? यही देवगिरी स्टेट में। अच्छा, राजेश जी की पार्टी में? हाँ हाँ, बट हम वहाँ जा रहे हैं, ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मिस कीर्ति भी वहीं जा रही है। खुशी, कभी कभी भगवान जो कॉमेडी करते हैं ना, उसमें हम खुद ही बकरा बन जाते हैं। चलो, मुझे तो लगता है तीनों की मंजिल एक ही है। ओह माय गॉड, कीर्ति, ये तो राजेश की बीवी श्रुति है, ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? चलो जल्दी इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे जैन जी,
यहाँ से हॉस्पिटल काफी दूर है। एक काम करते हैं, पहले इसे घर पे लेके चलते हैं, इसका ट्रीटमेंट करके उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। सर आप जयंत हो ना? जी हाँ। हेलो सर, मैं सत्या, राजेश सर का मैनेजर। ओहो, राजेश कहाँ पर है? और इस समय तो उसे यहाँ पर होना चाहिए था, जरा उसे फोन करके पूछो। कब से फोन कर रहा हूँ, स्विच ऑफ जा रहा है। क्या राजेश का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है? जी मैडम। जयंत, मैंने जब उसे देखा तब तो वो लाइब्रेरी में था, मैं जाकर देख कर आती हूँ, तुम खाने की व्यवस्था करो। राजेश, राजेश ये कहाँ चला गया? राजेश, राजेश, माजी, मालकिन, क्या हुआ मालकिन? मालकिन, माजी, क्या हुआ माजी? क्या हुआ? जयंत, ऊपर कोई तो है जयंत। राजेश को देखने गई तो बुक्स अपने आप गिरने लगी। यहाँ कोई कोई तो है जयंत, कोई तो है वहाँ। राजेश को देखने गई तो बुक्स अपने आप गिरने लगी। कोई कोई तो है जयंत, कोई तो है वहां। माँ जी देखिए, उस रूम में कुछ भी नहीं हुआ है, बुक्स जहां थी वहीं पर रखी हुई है। आपके मन में जरूर कोई डर था, लगता है इसलिए आप डर गई होंगी। वैसे आप इतना सोच क्यों रही हो? राजेश यहीं कहीं पर होगा, बस आ जाएगा। नहीं जयंत, मेरी बात पे भरोसा करो, बुक्स को गिरते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सर क्या हुआ? कुछ नहीं सर। माँ जी आप अंदर जाकर आराम कीजिए, जाइए सब लोग अपना अपना काम कीजिए। ए, चल रहे तू? रात भर अजीब अजीब आवाज से परेशान हो गया मैं। हेलो, तुम यहाँ पर आओ, अभी कुछ तो बोल रहे थे ना, अब बोलो। सर वो, डरो मत, बोलो। सर पार्टी शुरू होने से कुछ देर पहले तो कोई एक गेस्ट अर्जेंट राजेश जी से मिलना है ऐसा बोल रहा था सर। मैं ये बताने के लिए राजेश जी के रूम के पास गया, मैंने देखा कि राजेश और उनकी माँ सीरियस मैटर पे बात कर रही थी। अच्छा क्या है और बुरा क्या है तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? कब समझोगे तुम? मैंने सोचा क्यों उनको डिस्टर्ब करूं, फ्री होने के बाद बात करता हूं। ये सोचकर मैं नीचे की तरफ जाने लगा। पर मैं ऊपर आकर देखा तो वहां कोई नहीं था सर। मुझे बहुत डर लगने लगा सर। उसके बाद मैं मिरर में देखने लगा, तभी मुझे एक बुक दिखाई दी। ये सब कुछ हुआ कहां पर? ऊपर कावेरी के रूम में सर। वो कौन है? राजेश जी के क्लोज फ्रेंड सागर जी, पार्टी में आए हुए लोगों में वो भी एक थे। मिस्टर सागर, वन मिनट, इतनी देर कहां पर थे? मैं वॉशरूम में था। क्यों? नहीं कुछ नहीं, राजेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तुमने उसे कहीं देखा? क्या राजेश दिखाई नहीं दे रहा?
अब तक तो मैं और राजेश लाइब्रेरी में बैठकर बात कर रहे थे, ये कहाँ गया? सर, मुझे लगता है कि हम ही में से कोई राजेश का खून करके हमारे साथ नाटक कर रहा है। सत्या, ये क्या बोल रहे हो तुम? पागलों जैसी कुछ भी बातें मत किया करो। यहीं कहीं गया होगा वो, आ जाएगा। आपने सही कहा, वो यहीं कहीं गया होगा, बस आ जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे सूर्या, कहाँ पर हो तुम? यही घर पर ही हूँ सर। क्या बात है सर? यहाँ राजेश शाम से दिखाई नहीं दे रहा है, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। सर आज बहुत थक गया हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है, कल आकर ज्वाइन हो जाता हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह जल्दी आ जाना। ओके सर। सर, कल राजू आपने कहा था, वो सुनकर मुझे शॉक लगा, राजेश मिसिंग है, इसका क्या मतलब है सर? वही तो सूर्या, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। सर, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है राजेश का किसी से अनबन हो सकती है। नो सूर्या, जहाँ तक मैं जानता हूँ राजेश से नफरत करने वाला तो दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर शायद किसी ने पैसों के लिए किडनैप किया होगा सर? नो सूर्या, उस इंटेंशन से किसी ने किडनैप किया होता तो अब तक तो किडनैपर्स की तरफ से पैसों की डिमांड के लिए फोन जरूर आ जाता, तुम्हें क्या लगता है? हाँ सर, आप सही बोल रहे हैं। बट सूर्या, इस घर में कुछ तो चल रहा है, एक तरफ देखो तो राजेश गुम हो गया है और दूसरी तरफ उसकी बीवी श्रुति का फॉरेस्ट में एक्सीडेंट हो गया, और तो और इस घर में हर कोई रहने से बहुत डर रहा है, यहाँ यह सब हो क्या रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है सूर्या। सर एक मिनट सर। सर, इसका नाम मोहन है सर, बहुत से इलीगल एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व है, कल रात इसने पेट्रोलिंग ऑफिसर के ऊपर अटैक किया और वहां से एस्केप हो गया। पास के एएसआई मंजूराज है ना, उन्होंने मुझे फोटो मेल किया, उसके सूटकेस में बहुत पैसा था ऐसा वो बोले। सर, मिसिंग हुए राजेश में और इस मोहन में मुझे कुछ कनेक्शन लग रहा है सर। जब से उठाऊ तब से काम पे लगा, परेशान हो गया हूं मैं। सर चाय। सर, कल पार्टी में आकर मुझसे बात किए बगैर ऐसे क्यों चले गए आप सर? क्या क्या बोल रहा है तू? चांस ही नहीं है सर, कल रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं घर पे ही बैठा था सर, ऐसे में मैं थोड़ी ना पार्टी में जाऊंगा। ए चल चल निकल, क्या बात कर रहा है? ऐसा क्या हो सकता है सर, कल पार्टी में रुककर कल मैंने थोड़ा लाइट पी लिया था, इसीलिए आपको देखकर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है सर, सॉरी सर। ठीक है चलो निकलो अभी। ए चंदू, इस फोटो में जो इंसान है इसे कहीं दिखा है क्या? अरे मोहन, हाँ अभी याद आया सर, इसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये मोहन ही है, कल ही की तो बात है सर, आप ही की तरह जीप लेकर पार्टी में आया था ये सर। इस हरामखोर की तस्वीर आपके पास कैसे? ये आदमी ठीक नहीं है, पक्का राउडी है सर। बेचारी उसकी माँ सीतम्मा बहुत ही अच्छी है सर। चंदू, तुम्हें यहाँ किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक नौकर हो यहाँ, नौकर को अपनी औकात में ही रहना चाहिए, समझ गए? गलती हो गई मैडम। देखो जयंत, उसकी बात पर ध्यान मत दो, सीता माँ अच्छी औरत नहीं है, मेरे राजेश के गायब होने के लिए मुझे लगता है ये सीता माँ ही जिम्मेदार है। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? हाँ जयंत, कल मैंने ही उस सीता माँ को सबके लिए खाना रेडी करने के लिए कहा था, लेकिन वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी, मैंने उसे पूरे घर भर में ढूंढ लिया, सब कुछ यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है, इन नौकरों के भरोसे रहे तो घर का सत्यानाश कर देंगे। Mm-hmm.
राजेश, इस घर की नौकरानी है सीता माँ, उसके पास से ये गन मिली है, इसका क्या मतलब है? इसीलिए कहती हूँ, जिसकी जितनी औकात है उसे वैसे ही रखो। कल के दिन पैसों के लिए घर वालों को कुछ नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, आप बेकार में सीता माँ के ऊपर शक कर रही हो। अच्छा क्या है और बुरा क्या है तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? कब समझोगे तुम? ये गन आखिर उसके पास कहां से और कैसे आई मैं पता करता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ ना। जितना जल्दी हो सके। राजेश से बात करके लौट रही थी तो सीता माँ को श्रुति से बात करते हुए देखा। मुझे ऐसा लगा कि सीता माँ का हमारे घर ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। मेरे बेटे के ना मिलने के पीछे ये मोहन और सीता माँ ही जिम्मेदार है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हेलो सर। हाँ, हम इमीडिएट यहाँ से निकलते हैं सर। सूर्या सर, चलो जल्दी चलो, मृत्युंजय फॉरेस्ट जाना है। माँ जी, मैं आपसे कल आकर बात करता हूँ, अपना ख्याल रखना। जिन जिन लोगों की हत्या हुई उनसे आपका क्या रिश्ता है? वो चंद्रशेखर सुमित्रा है, उनके घर में 10 साल से काम कर रहा हूँ साहब, उन्होंने हमें रोटी कपड़ा दिया, वो भगवान है साहब। अच्छा, हत्या होने से पहले आखिरी बार आपने उन्हें कब देखा था? कल रात राजेश के घर पार्टी के लिए गए थे, उन्हें रिसीव करने के लिए एक लाल रंग की गाड़ी आई थी। उनके साथ और कौन कौन था? एक ड्राइवर था, उसके बगल में एक लड़की बैठी थी। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब तक हमारी परमिशन के बगैर आप किसी भी वजह से गांव छोड़कर नहीं जाओगे। ठीक है सर, अभी आप जा सकते हो। हेलो जयंत। ओह हेलो सर। ये क्या है, मेरे रिटायर होने के बाद भी तुम मुझे सैल्यूट मार रहे हो? हा? कुछ भी हो जाए लेकिन आप हमारे सीनियर, बैठिए ना सर। और तुम कैसे हो सूर्या? ठीक हो सर। गुड गुड। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की सर? अगर बुलावा भेज देते तो मैं खुद ही आ जाता। न्योता देने आया हूँ तुम्हें। इसी महीने की 10 तारीख को मेरी बेटी की शादी है, पूरी टीम को लेकर आना, कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ओह श्योर सर। सूर्या, ये तुम्हारे लिए पर्सनल इनविटेशन, मेरी बेटी की शादी में तुम्हें जरूर आना है। श्योर सर। ये सुमित्रा चंद्रशेखर है ना जयंत? जी हाँ सर, आज सुबह ही इनकी डेड बॉडी मिली है। ओह, ये कैसी अनहोनी हो गई। दरअसल मैं अगला इनविटेशन कार्ड देने के लिए उन्हीं के घर जाने वाला था, पर देखो कैसी अनहोनी हो गई है। अब आप इनको जानते हैं सर? हाँ जयंत, मैं जानता हूँ इन्हें। सन 1989 में माइकल नाम का एक डॉक्टर था, वो कैंसर के लिए मेडिसिन की खोज कर रहा था। वो मेडिसिन को स्कूली बच्चों पर टेस्ट करने के लिए बच्चों का किडनैप करता था। उस मेडिसिन के टेस्ट के बाद कितने बच्चे मारे गए, इस केस में मैंने ही उन्हें रंगे हाथों अरेस्ट किया था। सर, सुबह हुई हत्या के बारे में मीडिया वाले आपसे बात करना चाहते हैं सर। ए सूर्या, सर जरा देखना कि वो क्या है। ओके सर। सॉरी सर। सर, डॉक्टर माइकल का चंद्रशेखर की फैमिली के साथ कोई संबंध था क्या? हाँ जयंत, दरअसल डॉक्टर माइकल को फांसी दिलवाने के लिए यही लोग गवाह थे, साथ ही श्वेता और अरुण नाम के स्कूली बच्चे भी गवाह थे। मेरे बेटे के ना मिलने के पीछे ये मोहन और सीता माँ ही जिम्मेदार है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। दरअसल डॉक्टर माइकल को फांसी दिलवाने के लिए यही लोग गवाह थे।
हुआ सर? क्या सोच रहे हैं आप? सूर्या सर, ये चंद्रशेखर और सुमित्रा हाँ राजेश के घर पार्टी के लिए गए थे। हाँ सर। और मृत्युंजय फॉरेस्ट के पास मारे गए। हाँ हाँ। उन्हें पार्टी के लिए इनविटेशन देने वाला राजेश पार्टी शुरू होने से पहले ही हाँ घर से मिस हो जाता है, और दूसरी तरफ उनकी बीवी श्रुति का उस मृत्युंजय फॉरेस्ट के पास जो कावेरी की फैक्ट्री है ना, हाँ बिल्कुल वहीं पर हमारी कार से एक्सीडेंट हो जाता है। इसका जरूर एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिंक है, लेकिन वो क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं सर, वो श्रुति फैक्ट्री के पास क्यों गई थी? मैं भी वहां पे एक बार गया था, लेकिन फिर वहां पे ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। मैं भी उस फैक्ट्री के पास बहुत बार गया हूं, मुझे उस फैक्ट्री का इंच पता है सर। एक बार फैक्ट्री के अंदर आप गए तो दूसरी तरफ से आने का चांस ही नहीं है सर। श्रुति आर यू ओके? हाँ जयंत। श्रुति कल जब हम पार्टी के लिए आ रहे थे तो हमारी कार से टकराकर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, सो ये सब कैसे हुआ? मेम साहब क्या बात है? सितम्मा मेम साहब आपसे एक बात करनी थी। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मेम साहब इस घर में भूत है बोली तो कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अब देखो ना क्या हो गया। क्या हुआ जरा खुलकर बताइए। वो आप जरा मेरे साथ आइए। अब बताइए क्या कह रही थी आप? मेम साहब इस घर में कावेरी की आत्मा है कहा तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो ना कैसी अनहोनी हो गई है। कैसी अनहोनी हो गई सितम्मा? कल जो कुछ हुआ था उसके बारे में मैंने अपने स्वामी जी को बताया। उन्होंने कौड़ी डाल के देवी माँ से प्रश्न पूछा तो पता चला कि आज आफत आने वाली है किसी पर। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ मेम साहब इसीलिए उन्होंने ये मंत्र दिया है। इसे आप भगवान के पास रखकर पूजा कीजिएगा मेम साहब। ठीक है सितम्मा। राजेश राजेश हाँ इन्हें कितनी बार कहा है कि ऑफिस का काम घर पे मत लाया करो, पर मेरी बात ही नहीं सुनते। हाँ पता नहीं कहाँ चले गए। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? राजेश राजेश
तुमने अभी कहा कि तुमने किसी अजीब इंसान को देखा, उससे पहले कभी देखा था उसे? नहीं जयंत, वहाँ बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सूर्या, सर, सभी को राजेश के रूम के पास आने को बोलो। ओके सर। श्रुति, राजेश जंगल की तरफ जा रहा था, ये तुमने यहीं से देखा था? हाँ, हाँ जयंत। माँ जी, आपने राजेश को जो गन दी थी तो उसने इसी ड्रावर में वो रखी थी? हाँ, यहीं पे। तो फिर वो गन यहाँ दिख नहीं रही है? सूर्या, बोलिए सर। पूरे घर की तलाशी लो। ओके सर। वो गन किसी भी कीमत पर मुझे चाहिए। ठीक है सर। अभी दूर खड़े रहो, बॉडी के पास कोई मत आना। हे सूर्या, सर, इसका मांस निकालो। राहों का ये मेला छल है, ये खूनी मंजर है, ये कैसा छल है, ये उम्मीदें है टूटी टूटी सा काला अंधेरा है, मौत ने घेरा है, अनजाने चेहरा है, कैसा ये पहरा है, जख्मों की आंधी है, गम की सुनामी है, खून की होली है, बजे की गोली है। मालकिन, नहीं मालकिन, मैं आती रहूंगी, मैं मारती रहूंगी। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये? यहाँ हो रही हत्याओं से पब्लिक डर गई है। किसने किया, क्यों किया, ऊपर के लोग पूछ रहे हैं, उन्हें क्या जवाब दूं? Come on, tell me. सर, हम लोग दिन रात सर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई भी गवाह या सबूत नहीं मिल रहा है। और तो और, इस सिचुएशन में भूत और पिशाच का उस एरिया में डर है, ऐसा पब्लिक का कहना है। ए जयन, तुम एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस वाले होकर भी ऐसी बात बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? सर एक्चुअली वो, चुप बैठो, तुम क्या करोगे पता नहीं। अगर दो दिन में तुमने ये पता नहीं लगाया कि हत्यारा कौन है तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। सूर्या। यस सर।
कल मर्डर स्पॉट के पास एक लड़की की फोटो मिली थी ना, उस लड़की का एड्रेस ट्रेस किया तुमने? हाँ सर, डिटेल्स कलेक्ट करते ही पीसी को भेज दिया था सर। आई थिंक राजेश उस फोटो के जरिए हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। अगर वो लड़की कौन है ये पता लग जाए तो कातिल को ढूंढने में हमें जरा भी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन राजेश के मरने के बाद किसी ने जानबूझकर उसके हाथ में फोटो रख दिया होगा। ओह, तुम्हारी बात सही हो सकती है। एक ड्राइवर था, उसके बगल में एक लड़की बैठी थी। तुम हो क्या? क्या बात है, बहुत डैशिंग लग रहे हो। कोई प्रमोशन हुआ क्या? सुनामी में पूरा घर बह रहा है और यहाँ किसी को बेडरूम की चिंता हो रही है। समझी नहीं। समझोगी भी नहीं। वैसे तुम यहाँ कैसे? यही पास के गांव में एक पेशेंट है, उसे देखने के लिए मैं आई हूँ। अभी वो जिंदा है या फिर चार लोग उसे कंधा दे रहे हैं? हेलो, हम ना डॉक्टर्स हैं, जाने वाली जान को बचाने के अलावा आपकी तरह मदद के लिए आए हुए लोगों को दो वाइट एक रेड करके चिपकाते नहीं है। ए, बंद करो अपनी बकवास। मौसम की गर्म हवा थोड़ी सी ठंडी क्या हो गई तो तुम हवा में उड़ोगी क्या? तुम्हारे बारे में मैं जानता नहीं हूँ। सर दर्द हुआ तो एक्सरे निकालती हो, पैर दर्द हुआ तो स्कैनिंग करती हो। अच्छा महानुभाव जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। हाँ बस यही तो मैं चाहता था। सर सुबह अन्ना। हाँ अरे सुबन्ना। सर राजेश के घर जो उस दिन पार्टी थी तो तुम्हारे मालिक को लेने के लिए एक गाड़ी आई थी। हाँ हाँ। तो उसमें जो एक लड़की बैठी। हाँ जी सर। वो लड़की यही है क्या? सूर्या जरा ये फोटो दिखाना। सर उस दिन वो गाड़ी में यही लड़की थी। एक मिनट वो फोटो देना। जयंत मैं इसे जानती हूँ, इसका नाम श्वेता है। ये एक महीने से हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही थी। शी इज प्रेग्नेंट, मैं इसका ट्रीटमेंट कर रही थी। सर डॉक्टर माइकल का चंद्रशेखर की फैमिली के साथ कोई संबंध है क्या? हाँ जयंत, दरअसल डॉक्टर माइकल को फांसी दिलवाने के लिए यही लोग गवाह थे, साथ ही श्वेता और अरुण नाम के स्कूली बच्चे भी गवाह। सूर्या सर, किलर का अगला टारगेट श्वेता ही है। हाँ सर। उसे किसी भी तरह हमें बचाना ही होगा। सर कीर्ति, श्वेता का एड्रेस जानती हो तुम? यही कुछ दूर में है शायद। सूर्या कम फास्ट। आपको किसी तरह की इंफॉर्मेशन या एविडेंस मिला? कुछ नहीं सर, एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन इट। वो आदमी कौन है? सर वो बिल्डिंग इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ पीडब्ल्यूडी इंजीनियर है, इन्होंने ही बॉडी के बारे में इन्फॉर्म किया था हमें। अरे महेश जरा उनको यहाँ भेजो। सर मिस्टर इस बिल्डिंग में क्या कर रहे थे? सर वो बिल्डिंग की जांच पड़ताल के लिए यहाँ पे आया था। जब रात को यहाँ जांच पड़ताल के लिए आए थे तभी रेड कलर की कॉलेज पास हुई थी। ओह, रेड कलर कॉलेज। हत्या होने से पहले आपने उन्हें कब देखा था? कल रात राजेश के घर पार्टी के लिए गए थे, उन्हें रिसीव करने के लिए एक लाल रंग की गाड़ी आई थी। ओके यू कैरी ऑन। जयंत जी, मेरी लाइफ में ये पहली बार है एक ही दिन में 5 बॉडी का पोस्टमार्टम किया हूँ मैं। डॉक्टर एनी आइडेंटिफिकेशन? हाँ, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार
कोई साइको किलर क्रिमिनल माइंडेड ने इस घटना को अंजाम दिया। खून करने से पहले आर्सेनिक जैसा केमिकल उसको बॉडी में इंजेक्ट करके फिर उन्हें चाकू से घोप कर उसके बाद लटकाया है। इतना सब कुछ देखने के बाद वो व्यक्ति किसी भी तरह जिंदा ना बच पाए ये सोचकर खूनी ने खून किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और आश्चर्य करने वाली बात यह है सर, राजेश के मरने के बाद भी उसकी बॉडी को किसी ने चाकू से घोपा है। डॉक्टर, ये आर्सेनिक का क्या मतलब है? सरल भाषा में बोलूं तो किसान जो फसलों पर छिड़कते हैं वो कीटनाशक। हेलो, हाँ बोलो कीर्ति। हॉस्पिटल में फाइनेंशियल डिटेल्स देख रही थी तो श्वेता की प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट का खर्चा राजेश इतना खर्च कर रहा है ये जानकर श्वेता पे इतना खर्च कर रहा है मुझे डाउट हुआ, इसलिए आपको फोन किया। ओके कीर्ति, आई कॉल यू बैक। दरअसल डॉक्टर माइकल को फांसी दिलवाने के लिए यही लोग गवाह थे। कोई साइको किलर क्रिमिनल माइंडेड ने इस घटना को अंजाम दिया। ए विजय, सन 1989 में बच्चों को किडनैप करके उनका खून करने वाले डॉक्टर माइकल पुलिस वालों ने अरेस्ट किया था। अब तुम इमीडिएटली सेंट्रल पुलिस ऑफिसर से मिलकर माइकल की सारी डिटेल्स यहां पर लेकर आओ। ओके सर। थैंक यू डॉक्टर, आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके सर। सागर, कौन है वहाँ? सागर, कौन है वहाँ? तू ही है ना वो जिसने राजेश का खून किया? नहीं, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। सागर, डोंट वरी सागर, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, इंस्पेक्टर जैन का है, मेरे पास भेज दो। अभी रेस्ट कीजिए, बाद में बात करेंगे। प्लीज डॉक्टर, मुझे उनसे खास विषय में कुछ जरूरी बात करनी है। ओके, आई विल डू इट फॉर यू। सर, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी सर। क्या कहा, बात छुपाई थी? कौन सी बात? बहुत सालों के बाद मैं और राजेश मिलकर पार्टी का प्लान कर रहे थे।
लेकिन उस रात उस घर में अजीबोगरीब हादसा हो गया था सर। हाय हीरो। हे सागर, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। ठीक तो हो ना? हाँ बढ़िया हूँ। क्या यार, इतना बड़ा घर लेकर छोटी सी पार्टी दे रहा है तू, शर्म नहीं आती क्या? तुझे कोई छोटी मोटी पार्टी थोड़ी दूंगा, एक धमाकेदार पार्टी रखूंगा तेरे लिए, चल। हम दोनों यहीं थे ना? आखिर यहाँ कौन आया, किसने किया ये सब? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सागर तू एक मिनट रुक, मैं अभी देख कर आता हूँ इसे। नहीं राजेश, तू जाके पार्टी अटेंड कर, गेस्ट लोग आ गए होंगे, वो कौन है उसे मैं देखता हूँ। ठीक है चल। सागर जब से इस घर में आया हूं ना कुछ चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई मेरे साथ आंख में चोली खेल रहा है। वो कौन है देखा तो जाके? ओके। राजेश दरिया को तेरे लहू की तलब, कब से मैं अग्नि के है तेरी रूह। लेकिन राजेश की बॉडी उस दिन गार्डन एरिया में कैसे आई मुझे सचमुच कुछ नहीं पता सर। सर एक और बात, इस घर में अभिनेत्रियों की आत्मा अभी भी भटक रही है सर, वो लोग नहीं चाहते कि कोई भी इंसान इस घर में बसे सर। सर प्लीज सर, इस घर में रहने वालों को किसी और जगह भेज दीजिए सर, प्लीज सर। अब उसके बारे में आप मत सोचिए, इस घर में रहने वाले सभी की जिम्मेदारी अब मेरी है। आओ सूर्य। जयंत,
आपने जिस डॉक्टर माइकल के बारे में रिसर्च करने के लिए कहा था, और वो बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने कई पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है और उनका अमेरिका में भी बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने 2-3 किताबें भी लिखी हैं। देखिए, सन 1989 में माइकल नाम का एक डॉक्टर था, स्कूली बच्चों पर टेस्ट करने के लिए बच्चों का किडनैप करता था। सर, आओ विजय, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। डॉक्टर माइकल की सारी इन्फॉर्मेशन तुमने कलेक्ट की? हाँ सर, कलेक्ट किया। जब तक माइकल जेल में थे तब तक सब कुछ बहुत अच्छा था। सर, जेल अधिकारियों के अनुसार माइकल सीने अभिनेत्री कावेरी जी के बड़े फैन थे। उनके सेल के अंदर सीने अभिनेत्री कावेरी की ही तस्वीरें थी। फांसी होने के बाद कावेरी की समाधि के बगल में ही उनकी समाधि हो, ऐसी उनकी जीवन की आखिरी इच्छा थी। उनके बारे में फुल डिटेल्स इस फाइल में है। क्या हुआ कीर्ति? राजेश रह रहा था इस कावेरी के इस बंगले में। माइकल का और कावेरी का कुछ ना कुछ तो संबंध है। मतलब जितने भी खून हुए हैं उनका और इस घर का कोई ना कोई लिंक है। जयंत, कुछ बताने के लिए बुलाया है और खुद ही चुपचाप खड़े हो, यानी प्रॉब्लम? जी हाँ सर, मेरे जीवन में मैंने एक बड़ी गलती कर दी। मैं बचपन से ही एक बड़े इंसान की पूजा करता आ रहा था। अगर मैं कोई सिंसियर पुलिस ऑफिसर बना तो उनकी तरह ही सिंसियर पुलिस ऑफिसर बनूंगा सोचा था, और ये मेरा सपना था। लेकिन जिस इंसान की मैं पूजा कर रहा था वो साधु के भेस में एक बहुत ही बड़ा गुंडा है, ये मुझे आज पता चला है। सर, एक इंसान किसी ना किसी घर में पैदा होता है, लेकिन इंसानियत कुछ ही लोगों में होती है। वो इंसानियत आप में भी होगी ऐसा सोचा था, लेकिन नहीं सर, आपको समझने में मैं धोखा खा गया। जयंत, ये क्या कह रहे हो तुम? कोई गुनाह ना किए हुए बेकसूर को जेल में भेजने वाले पापी हो आप। जयंत, स्टॉप दिस नॉनसेंस। इट्स नॉट अ नॉनसेंस सर, इट्स अ हार्डकोर ट्रुथ। सर, डॉक्टर माइकल एक साइकियाट्रिस्ट थे, तो वो कैंसर पर कैसे रिसर्च कर सकते हैं? कैंसर रिसर्च के लिए स्कूल के बच्चों को किडनैप करके हत्या करने वाला इंसान कौन है? खुद कोई गुनाह किए बगैर कोर्ट में मैं ही अपराधी हूं ऐसा बताने वाला गुनहगार कौन? बताइए सर, बताइए। जयंत, एक आदमी, एक अच्छा पुलिस ऑफिसर खुद से नफरत करने वालों से लड़कर नहीं बनता, बल्कि खुद पर भरोसा करने वाली जनता को बचाकर वो असली पुलिस ऑफिसर बनता है। ऐसे सिद्धांत लेकर जीने वाले व्यक्ति को उस परिस्थिति में अपने हाथ बांध कर रखने पड़े। क्या दामाद जी, आज बहुत टेंशन में लग रहे हो, क्या बात है? पिताजी, ये एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं। क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है ना ससुर जी, मैं कैंसर पे रिसर्च कर रहा था। हाँ हाँ, उन दिनों मेडिसिन्स का प्रयोग करने के दौरान 10 बच्चे मर गए। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बारे में किसी को कुछ पता तो नहीं है ना? ये डॉक्टर माइकल को ही पता है, और कोई नहीं जानता। ससुर जी, कल को अगर इस बात पे कहीं जांच हुई तो मैं बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं हूं ना शिवू, माइकल की कोई कमजोरी के बारे में तुम्हें पता है? भगवान जैसा इंसान, चमकती अभिनेत्री कावेरी से संबंध है, उसका एक लड़का भी है ऐसा सुना है। शिवू,
जल्दी एक मीटिंग अरेंज करो, वो माइकल को बुलाओ और उस कमिश्नर देवराज को, उसे भी वहां बुलाओ, लेकिन इस बात का किसी को पता ना चले, समझ गए ना? ठीक है पिताजी। देखो माइकल, जैसे यहाँ मेरी इज्जत है वैसे ही मेरे दामाद की भी है, उससे गलती हुई है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर वो अपनी गलती की वजह से जेल चला गया तो कल लोग क्या क्या कहेंगे, जो अपने दामाद को ही नहीं बचा पाया वो जनता का सुख दुख क्या देखेगा, ऐसा जनता सोचेगी ना। इतना ही नहीं, अपने विरोधी पक्ष को खुद की बेवकूफी की वजह से उनको मौका देने वाली बात हो गई, मेरे मंत्री होते हुए भी अगर ये बात बाहर निकली तो मेरे पद की इज्जत चली जाएगी, है ना माइकल? तुम सोच रहे होगे कि मैं इसमें बलि का बकरा क्यों बनूं? तुम अगर मान जाओगे तो ये तुम्हारी पत्नी कावेरी की इतने दिनों में मेहनत से कमाई हुई शोहरत और तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा होगा, लगता है तुम समझ जाओगे। हे देवराज, मैंने जो बोला है वो समझ गया, ये सब कोर्ट आकर गवाही दे देंगे। सर, नहीं सर। चाहिए तो थोड़ा और वक्त ले लो। क्यों जी, क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, वो मैं किस तरह बताऊं ये सोच रहा हूँ। बोलिए, ऐसा क्या हो गया? जो मैं बताना चाहता हूँ इसमें लिखा हुआ है। माइकल, ये वाला नारा। ऐसा नहीं बोलते, गुनाह करने वाले को हम नहीं, उनको सजा देने के लिए वो भगवान है बेटा। तुम रो मत बेटा, तुम्हें तो अपनी माँ की तरह बहुत बड़ा नाम करना है बेटा, बहुत बड़ा नाम। वो सब मुझे नहीं पता पापा, मैं बदला लूंगा तो लूंगा, चाहे कितना भी समय लग जाए। एंथोनी, एंथोनी, एंथोनी! खूनी बच्चों का किडनैप करके मारने वाला खूनी डॉक्टर माइकल नहीं जाए, तब के फेमस मंत्री महोदय डॉक्टर शोभराज जी का दामाद डॉक्टर एम डी नटराज है। तो मतलब हम जिस खूनी को ढूंढ रहे थे उसका नाम एंथोनी है। यस, एंथोनी। आप सभी को यहाँ पर इकट्ठा किस लिए बुलाया गया है यही सोच रहे हो ना? बताता हूँ, मई महीने की 13 तारीख को रात के 12 बजे के बाद अरुण नाम के जर्नलिस्ट की, जो इस घर में कावेरी के बारे में रिसर्च करने आया था, उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। मैंने इस हत्या के बारे में गांव वालों से बहुत पूछा भी था। सर, इस घर में भूत रहता है सर, रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती हैं सर, गांव वाले यहाँ आने जाने से डरते हैं सर, आप यहाँ आए इसीलिए मैं आ पाया सर। तभी मुझे पता चला कि इस घर में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इसलिए मैं एक दिन किसी को बताए बगैर इस घर में इन्वेस्टिगेशन करने आया था। मुझे देखकर सीतम्मा को लगा
कि कावेरी की आत्मा अभी भी इस घर में भटक रही है ना सितम्मा? मैंने इस हत्या के मामले में इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन की तो भी खूनी का मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन तब मेरी मदद करने के लिए मेरा एक दोस्त आया राजेश। मैं एक दिन राजेश को इसी घर में लेकर आया और उसे सारी घटना के बारे में बताया, और मैंने अपने ऑफिसर से परमिशन लेकर इस घर में रहने की व्यवस्था भी करवाई। डोंट वरी, तेरे यहाँ रहने से तेरे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प होती है। जितने दिन कहेगा उतने दिन रुकूंगा। थैंक यू राजेश। लेकिन एक बात, किसी भी कीमत पर हम दोनों के बीच जो भी बात हुई है वो बाहर पता नहीं चलनी चाहिए। ऑल राइट। मुझे मदद करने के लिए उसने ये घर खरीदा, ऐसा झूठ बोलकर आप सभी लोगों को वो यहाँ पर लेकर आया। आप सभी लोग यहाँ पर आने के बाद राजेश कुछ दिनों में गायब हो जाता है, तभी आप लोग एक दूसरे पर शक करने लग जाते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, राजेश के घर पार्टी के लिए आ रहे चंद्रशेखर, सुमित्रा और श्वेता, ये तीनों फॉरेस्ट एरिया में मारे गए, और ये सारे खून करने वाला एक ही शख्स है। उसका नाम है एंथोनी। इसका मतलब मेरे बेटे राजेश की जान लेने वाले ये सीता माँ का बेटा मोहन और एंथोनी ही है ना? नो, बिल्कुल नहीं। ये राजेश की जो मर्डर हुई है इससे सीता माँ का या मोहन का कोई भी संबंध नहीं है। देखा जाए तो राजेश की इज्जत अब तक सीतम्मा ही बचाती आई है। जयन, ये क्या बोल रहे हो तुम? जी हाँ, मरने वाली श्वेता कोई और नहीं, राजेश की दूसरी बीवी है। ये बात सीतम्मा के अलावा और किसी को नहीं पता। झूठ, राजेश मुझे धोखा नहीं दे सकता। सीतम्मा, उस दिन स्टेशन पर जो मुझे बात बताई थी श्रुति को बताइए। हाँ मेम साहब, साहब ने जो कुछ कहा वो सब सही है। मैं अपने बेटे मोहन को कैसे भी करके एक दिन राजेश जी के पास ले गई। राजेश जी। हाँ, हाँ सीतम्मा। एक मिनट आपसे बात करनी थी। ओहो, श्वेता एक मिनट में आया। क्या हुआ सीतम्मा, क्या बात है बताओ? मेरा बेटा है मोहन, गलत लोगों की संगत में रहकर बिगड़ गया था, लेकिन अभी बदल गया है। आप बड़ा मन करके कंपनी में एक नौकरी देंगे तो इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। देखो मोहन, सिर्फ तुम्हारी माँ के लिए, राइट? देखो, अगर सच में तुम सारे गलत काम छोड़ दोगे ना तो मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। सब छोड़ दिया करके ही तो आपके पास आए हूं सर। इधर सुनो। हाँ सर। उधर वो जो मैडम बैठी है ना, उनका नाम श्वेता है। उन्हें बस दुबई ले जाकर अच्छे से घुमाना फिराना, यही तुम्हारा जॉब है, राइट? बट ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन वो है कौन पता नहीं चला? वो मेरी दूसरी पत्नी है, श्वेता नाम है। मोहन, तुम अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके एक गन का इंतजाम कर सकते हो? ठीक है सर, लेकर देता हूँ। राजेश ने मंगवाई हुई गन सरोजा जी ने सीतम्मा के पास दी। राजेश से पैसे लेकर श्वेता को दुबई ले जाने के लिए मोहन पार्टी वाले दिन आया था। उसे देखकर राजेश और सागर ने उसे कोई और ही समझ लिया। पर एंथोनी सबका खून कर क्यों रहा था? गुड क्वेश्चन। ये एंथोनी कोई और नहीं है, इस घर में रहने वाले सिने अभिनेत्री कावेरी और डॉक्टर माइकल का बेटा है। ये जितने भी लोग मारे जा चुके हैं वही लोग एंथोनी के माँ बाप के मौत के जिम्मेदार हैं। बट राजेश की मौत का कोई दूसरा ही कारण है। जिस घर में मेरी माँ रहती है उस घर में मैं अकेला रहूं, दूसरा कोई भी ना रहे, यह एंथोनी की इच्छा थी। राजेश ने घर खरीद लिया, यह सच मानकर एंथोनी ने राजेश को मार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आप सभी को इस घर से भगाने के लिए उस एंथोनी ने इस घर में आत्मा होने की झूठी कहानी बनाई। राजेश के मरने से पहले सत्या ने मुझे इस घर में हुई सारी घटनाएं बताई। मैंने सत्या की बात सुनकर कावेरी के रूम में जाकर देखा। तो एक ही कमरे में एक ही तरह की चार घड़ियां मुझे दिखाई दी। मुझे कुछ तो शक हुआ, क्या हो सकता है ये सब कुछ? यही सोचकर घड़ियों के पास आकर मैंने देखा तो उसमें कैमरे लगे हुए थे।
तभी मैं कंफर्म हो गया कि कोई तो एक शख्स है जो कहीं पर बैठकर पूरा घर कंट्रोल कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस घर का एक ही शख्स है जो एंथोनी की मदद कर रहा है। वो शख्स यहीं पर मौजूद है और उस एंथोनी की मदद करने वाला कौन है अगर मैं बताऊं तो ये है उस एंथोनी की मदद करने वाला। आर्सेनिक की बोतल एंथोनी को सप्लाई करता था। सर, मेरा और एंथोनी का कोई संबंध नहीं है सर। जो कुछ भी है मैं सब सच बता दूंगा सर। मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, जो बताना है सब कुछ बता दे। सर, मेरी माँ का हार्ट ऑपरेशन था सर, उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए थे मुझे। पैसे के लिए क्या करूँ कुछ समझ नहीं रहा था, तभी मुझे एक कॉल आया सर। कौन है? मैं कौन हूं उससे तुझे क्या करना है? मुझे पता है तुझे पैसे चाहिए और वो मैं तुझे दूंगा। तुझे बस मेरा दिया हुआ एक काम करना है। क्या काम सर? पैसे की लालच में आकर मैंने उस कमीनी की मदद कर दी सर। सर, वो पुलिस वाला था, मुझे इतना ही पता था सर। वो पुलिस ऑफिसर है, ये तुझे कैसे पता? सर, तभी गाड़ी में वहां मैंने अमृतपुरा पुलिस स्टेशन वाली फाइल देखी थी सर। अरे सुनिया, ये कावेरी के घर से संबंधित जो फाइल है अमृत नगर के पुलिस स्टेशन में है, जरा जाकर ले आओ। ओके सर। सर, कल पार्टी में आकर मुझसे बात किए बगैर ऐसे क्यों चले गए आप सर? क्या क्या बात कर रहा है? चांस ही नहीं है सर। सर, कल रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं घर पे बैठा था, तो फिर मैं पार्टी में क्या करूंगा? चल चल, निकल यहां से, अपना काम कर। हेलो जयंत, कल मेरी बेटी की शादी है लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। जहां तक मुझे लग रहा है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। मुश्किल की घड़ी में मेरी मदद करो प्लीज। इस केस में मैंने ही उन्हें रंगे हाथों अरेस्ट किया था। सर, सुबह हुई हत्या के बारे में मीडिया वाले आपसे बात करना चाहते हैं सर। अरे सूर्या, सर वो क्या है जरा देख कर आओ तो। मैं भी बहुत बार पुरानी फैक्ट्री के पास गया था सर, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। उस फैक्ट्री के बारे में मुझे इंच इंच पता है सर। एक बार कोई अंदर गया तो आसानी से बाहर नहीं आ सकता, चांस ही नहीं है सर। ओह शिट! सर, खूनी कोई और नहीं है, मेरे साथ जो सूर्या था ना वही है। उसे पकड़ना बहुत जरूरी है, उसने हमारे डिपार्टमेंट को धोखा दिया है। Oh,
कांग्रेचुलेशन सर, आखिर में मैं कौन हूँ आपको पता चल ही गया ना। एक्चुअली आपका जो दिमाग है वो काफी अच्छा है, लेकिन वो मैं ही था जो बार बार आपको गुमराह करता गया। सूर्या, तुझे एक बात पता है, खूनी खुद को कितना भी चालाक क्यों ना समझे, लेकिन जब मैं पीछे पड़ता हूँ ना, तो उसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले का दी एंड भी लिखने वाला मैं हूँ। सर, आपको पता है माँ के पेट में पलने वाले हर बच्चे की पहली इच्छा होती है माँ बाप का प्यार। सर, माँ बाप का प्यार। और आखिरी इच्छा भी वही, माँ बाप का प्यार ही होता है। सर, मेरे माँ बाप के मौत का कारण यही था, ये मुझे पता चलने के बाद अगले क्षण ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उन्हें ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने दे सकता। तब से ये एंथनी आग की तरह जलने वाला सूर्य बन गया। हाँ, का अंत होगा यहाँ, उठा है दुआ, का मजा जिंदगी है दुआ। सुनी सुनी रातें चली पड़ी दो, काला ये अंधेरा तेरी मौत का पंजा, और के आईने में खुद को तू भूल, खुला तुझको आएगी नजर जरूर। मैंने उन्हें खत्म करने का सोच ही लिया था, लेकिन भगवान ने उन ससुर दामाद को जल्दी ऊपर बुला लिया। कानून को गवाह चाहिए, वो गवाह मुझे भी चाहिए थे, इसीलिए सबको मार दिया। इसको और इन दोनों को, सबको मार दिया। जब मैं छोटा सा थोड़ा बच्चा था, माँ ऐसे बुलाता था तो कोई मेरी नहीं सुनता था। सर, कोई नहीं सुनता था। जब मैं पिता की गोद में सोता था तो नैतिकता की कहानी सुनते 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 बड़ा आदमी होने का सपने देखने वाली की जिंदगी रोड पे सोने जैसा कर दिया। सर, मेरी जिंदगी बचपन में जब सब लोग माँ माँ मुझे हाथों से खिलाओ ना, माँ पापा पापा मुझे खिलाओगे ना, ऐसे प्यार से बोलता था मैं, तब मैं ए माई ऐसे भीख मांगता था मैं। सर, ऐसे भीख मांगता था मैं। ठीक है सर, अब से ये सब गुनाह में मानता हूं सर, लेकिन एक बार सर, सिर्फ एक बार सर, आप मेरी माँ के हाथों से मुझे निवाला खिला सकते हो क्या सर? खिला सकते हो क्या? बोलिए ना सर। नहीं होगा ना, मुझे पता है सर, ये सब आपके हाथों से नहीं हो सकता। इसीलिए मैं भी इसको किसी भी कीमत पे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। सूर्या, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, और बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। थोड़ा सा सब्र रखता ना तो उन सबको कानून सजा दे सकता था, पता है सूर्या? सर, आप कह रहे कि कानून पे मैं भरोसा रखूं, अगर भरोसा रखते तो कितने पुलिस अधिकारी लॉज में, अपने घर में, अपार्टमेंट में आत्महत्या नहीं करते। सर, आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं करते। अगर अब बची है
तो सिर्फ यही बची है। इसको भी मैं अपने माँ बाप की जगह अगर इसको भेज दूँ। नो सूर्या, कुछ मत करना उसे सूर्या। तो फिर मेरे माँ बाप को कितनी शांति मिलेगी ना सर। नो सूर्या, तभी तो फिर मेरे माँ बाप को जो दर्द हुआ था वो भी इसके बाप को पता चलेगा। उस लड़की को छोड़ दे सूर्या। सॉरी सर, एक बार मैं इसको मार दूं, उसके बाद मैं सरेंडर कर दूंगा सर। ए सूर्या छोड़, ए सूर्या, सूर्या, सूर्या रुक जाओ। ए सूर्या रुक जाओ। उस लकीर में वो पहले हैं जो मेरी कहानी के असली हीरो हैं।